नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी विधि जिसको करके आप किसी के भी दिमाग पर कंट्रोल पा सकते हो, उस व्यक्ति को दिमाग को आप काबू में कर सकते हो, उस इंसान पर आप काबू पा सकते हो। आज की चलती जिंदगी में लोग अपनी सोचने और समझने की शक्ति खो बैठते हैं, क्योंकि परेशानियाँ उनके दिमाग में रहती हैं, वो उसको भूल नहीं पाते। परेशानियां हैं जैसे मियां बीवी में आपसी कलेश होना, पति पत्नी में अनबन, मियां बीवी की नहीं मानता, बीवी मियां की बात पे नहीं चलती। कुछ ऐसी परेशानियों के कारण लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, या यूँ कहिए कि पति पत्नी में अनबन होती है, पत्नी पति की बात नहीं मानता और पत्नी पति की बात नहीं मानती, या फिर यूँ कहिए आपस में मनमोटाव रहता है, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, उसी लड़ाइयों से मनमोटाव से घर घर में कलेश रहता है, उन्हीं झगड़ों के कारण लड़ाइयों के कारण पूरा घर बिगड़ जाता है। और इस उपाय से, या फिर यूँ भी कहिए कि कोई गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, आपस में उनके बीच में कोई दरार आ गई है, कोई परेशानी हो गई है, वो रूठ गया है, या वो आपकी बात नहीं मानता, या कोई गर्लफ्रेंड आपकी बात नहीं मानती, या बॉयफ्रेंड आपकी बात नहीं मानता, तो ये आपसी झगड़े आप इस उपाय से ख़त्म कर सकते हैं। आज जो हम आपके सामने लेकर आए हैं ये बहुत ही साधारण सा उपाय है, जिसको करने के बाद आप जिसको चाहोगे वो आपके वश में हो जाएगा। आपकी बीवी, आपकी पति, आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, आपका प्रेमी, आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड, जिसको भी आप अपने वश में करना चाहते हो एक अच्छे मात्र काम के लिए, इस उपाय से आप उसको अपने वश में कर सकते हो, चाहे वो कोई भी हो। पर याद रखिए, इसका गलत इस्तेमाल ना हो, वरना ये उपाय उल्टा पड़ सकता है। आप इस उपाय को करके किसी भी स्त्री को, शादीशुदा स्त्री को भी अपने वश में कर सकते हो। पर याद रखिए, अगर कुछ गलत हुआ तो प्रभाव आपके ऊपर होगा। इस उपाय को आप तभी करें जब बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत हो, तब आप किसी को अपने वश में करना चाहते हो, क्योंकि इसका तोड़ खुद हमारे पास भी नहीं है। ये बहुत ही प्रभावशाली है, ये बहुत ही असरदार है, और इसको ध्यान से अच्छे से करें ताकि, और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस उपाय को बताते में, सुनने में कोई गलती ना हो, और हम आपको अच्छे से समझा सके कि इस उपाय को किया कैसे जाता है। देखिए, हम आपको बताते हैं इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, जिस भी व्यक्ति को, इंसान को, पति पत्नी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या प्रेमी प्रेमिका या स्त्री पुरुष को, किसी को भी आप अपने वश में करना चाहते हो, चाहे वो आपका बच्चा हो, आप उसको कोई परेशानी भी नहीं होगी और वो आपके वश में भी हो जाएगा। उसका सबसे पहले आपको एक बाल होना चाहिए थोड़े से उसके, और उसके बाल होने आपके पास ज़रूरी हैं, और एक लाल कलर का छोटा सा कपड़ा आपके पास होना चाहिए। और सबसे पहले आपको करना क्या है, उस व्यक्ति के थोड़े से बाल उस लाल कपड़े में करने हैं, फिर जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं उतने जो लहसुन के जो जबे होते हैं, जैसे लहसुन के जो पीस होते हैं ना, वो उसकी, मान लीजिए उसका नाम अनिल है, तो अनिल में चार अक्षर आते हैं, तो उसका चार जबे आपको कपड़े में डालने हैं, थोड़े से उसके बाल, और उसको कपड़े को फोल्ड करने के बाद, फोल्ड कर लेना है, फोल्ड करने के बाद अनार का जो पेड़ होता है उस पेड़ पर उस कपड़े को और सामान के जो कपड़े के अंदर था वहाँ पर उसको बांध देना है आपको। ध्यान रखिए, जब आप इस विधि को कर रहे हों तो कोई आपको ना देखे, अनटोक रहकर जो विधि है वो ज़्यादा बेहतर काम करती है। और इस विधि का जो टाइमिंग रहेगा वो 12:30 बजे रात्रि में रहेगा, 12:30 बजे इस विधि को करें, और कोई से भी दिन आप इस विधि को कर सकते हैं। इस विधि को करने के बाद सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर जिसको भी इंसान को, व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हो वो आपके वश में हो जाएगा, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका, पुरुष स्त्री, या कोई रिश्तेदार, या कोई आपका बच्चा, किसी को भी आप अपने वश में कर सकते हो। विधि को करने के बाद जिसको भी आप अपने वश में करना चाहोगे वो सिर्फ आप ही की बात मानेगा। अगर आपको दी गई जानकारी में से कहीं भी कुछ परेशानी हो, या आप इस उपाय को करने में असमर्थ हो, या आपको इस उपाय में करने में कुछ परेशानी आ रही है, या आपको कुछ पूछना है या हेल्प लेनी है, तो आप जो स्क्रीन पर जो हमारे नंबर दिया हुआ है आप इस पर कॉन्टैक्ट करके निःशुल्क उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और अगर आप इस उपाय को नहीं कर सकते, या आपको ये उपाय आप नहीं कर सकते, तो हम खुद आपको ये उपाय करके देंगे,
हमारा जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ गया हुआ है, इस पर आप हमसे बात कर सकते हैं।